ক্যান্ডিডেটদের কাছে একদম ব্যক্তিগত স্তরে আমরা পৌঁছে দিব, এবং যারা বর্তমানেও যারা এমএলএ আছেন বা এমপি আছেন তাদের কাছেও আমরা এটা পৌঁছাবো। এবং সেই সাথে সাথে আমাদের ক্যাম্পাসগুলোতেও যারা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বা বিভিন্ন প্রফেসর অধ্যক্ষ আছেন তাদের কাছে আমরা এই ব্যাপারে পৌঁছাবো, যাতে করে আগামী দিনে এ ব্যাপারে আমরা একটা চর্চার জায়গায় নিয়ে আসতে পারি যে আমাদের যে সমস্যা আসলে এইগুলো, যে সমস্যাগুলো আজকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো নয়, কারণ আমাদের নিজস্বতে যে বিষয়গুলো আমরা করেছি সেগুলোই মূলত আমাদের সমস্যা বলে মনে হয়েছে। এবং আগামী ছাত্রছাত্রীরাও এটা চায়, তারা তাদের মাধ্যমে তাদের থেকে আমরা ইনপুট নিয়েই যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছি, এবং এই ম্যানিফেস্টোতে এই বিষয়টি আমরা রেখেছি। যাতে করে আগামী দিনে ये जो मैनिफेस्टो है ये स्टूडेंट मैनिफेस्टो हम लोग निकाले हैं आज। इसमें हम लोग जो स्टूडेंट्स का जो इश्यूज है अभी इंडिया में, अभी हमारे देश में ये चल रहा है, जितना भी इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आरटी एक्ट के तहत बहुत सारे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हम देख रहे हैं अभी। जो प्राइमरी स्कूल्स है, जो सेकेंडरी स्कूल्स है, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, टीचर रेशियो, टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो का प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ यहाँ का जो प्राइवेटाइजेशन का जो इशू है, अभी इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट किया जा रहा है, जिसमें जैसे कि यह हुआ कि ये हो रहा है कि अब पैसा फेंको और एजुकेशन लो, ऐसे एक माहौल अभी ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। तो ये मेन जो डिमांड्स अभी हम लोग रखे हैं इसमें कि रंगनाथ मिश्र कमीशन में जो जो उनका जो रिकमेंडेशन था उसमें ये बताया गया 10% जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन, उसके साथ साथ 5% अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिजर्वेशन, ये एक डिमांड है। उसके साथ साथ जितना भी आरटी एक्ट का जो काम होना चाहिए था वो भी होना है। उसके साथ साथ जो अभी जो रिक्रूटमेंट का जो इशूज़ है अभी हमारे देश में चल रहा है, बहुत सारे पार्ट टाइम ज़्यादा रिक्रूट किया जा रहा है, तो अभी हम लोग का ये डिमांड है कि रिक्रूटमेंट फुल टाइम होना चाहिए और एक साल के अंदर कोई जो पोस्ट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक साल में वो फुल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो बेकसूर जो बेगुनाह जो आदमी इनोसेंट जो यूथ है उनको कहीं से भी पकड़ के UAPA या टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको जेल में अंदर किया जा रहा है और 20 साल 25 साल 30 साल बाद उनको एक्विट किया जा रहा है, बेकसूर उनको खलास किया जा रहा है। तो हम लोग का ये मानना है कि जो लोगों को ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तो पहले बात है कि होना नहीं चाहिए। उसके बाद जो बंगाल के लिए जो हम लोग रखते हैं इसमें जो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसमें जैसे कि मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी का एक इशू है, उसके साथ जितना भी यूनिवर्सिटीज़ अभी अनाउंस किया है, जैसे कि झाड़ग्राम में अनाउंस किया, बिलासपुर में अनाउंस किया, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी तक सिर्फ एक्ट में वो ये है, उसका तो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो ये था उनका जो ये होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, उसके वो एक डिमांड है। उसके साथ साथ इधर जो बंगाल में जो लेडी हॉस्टल कोलकाता में लेडीज़ हॉस्टल का एक बड़ा इशू हमारे देखने को मिला है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक लेडीज़ हॉस्टल कलकत्ता में वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मिलना चाहिए। उसके साथ साथ कलकत्ता में या बंगाल में जो ज़्यादातर मुर्शिदाबाद मालदा जो जो MCDs है, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमको देखने को मिलता है, जो अभी जो सेंट्रल से वहाँ पे फंड आना बंद हो गया, उसके बजट बंद कर दिया, तो अभी वो यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा है, बंद मतलब बंद होने का एक ये है, मतलब अभी 3 वहाँ पे फैकल्टी है। तो इसी तरह का जो MCDs है हमारे बंगाल में, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो यहाँ का जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ अभी एक बन के आ रहा है, प्राइवेट स्कूल्स हो रहा है, वहाँ पे जो फी है, फीस बहुत जो मन चाह वो फीस ले रहा है, वहाँ पे एक कैपिंग होना चाहिए कि हर स्कूल्स में एक हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एक सही अंदाज में उसको ये होना चाहिए कि वो एक लिमिट तक वो पैसा उनका जो ये फी हो वो होना चाहिए। इसी तरह का बहुत सारे डिमांड्स এগুলো অ্যাকচুয়ালি আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হয়েছে, শুধু রাজ্য সরকার নয় বরং আগামীতে যারা ভোটে দাঁড়াতে চলেছে সমস্ত ক্যান্ডিডেট আছে ইলেকশনে, যারা নির্বাচনে লড়বে, এবং সেই সাথে সাথে যারা
সাধারণত মাদার টাঙ্গে হলে বা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে হলে মাতৃভাষা হলে বেশি ভালো। তো এখানে আমরা দেখছি যে সমস্ত যে ভাষার স্টুডেন্ট তাদেরকে সেই ভাষার অপরচুনিটি দেওয়া দরকার, এবং সেটা আটটি একটে বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে সেটা বাংলা হতে পারে, সেটা উর্দু হতে পারে, সেটা হিন্দি হতে পারে, সেটা ইংলিশ হতে পারে, যার মাতৃভাষা যেটা, সেই ভাষাগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সেই ধরনের স্কুলের পরিকাঠামো করে তোলা দরকার, সেই ধরনের স্কুলের পরিকাঠামো এখানে আছে। আমরা যেটা ডিমান্ড করছি যে এটা মূলত অল ওভার ইন্ডিয়া লেভেলের ডিমান্ড, যে এখানে আমাদের বাংলাতে যেমন বাংলা মিডিয়াম স্কুল অনেক বেশি আছে, যেমন এর আগে আমরা একটা নিউজে দেখেছি যে কর্ণাটকে কন্নড় মিডিয়াম স্কুলগুলোকে বন্ধ করে সেটাকে ইংলিশ মিডিয়ামে রূপান্তর করা হয়েছে। তো এ ধরনের এখানে শুধু এখানে শুরু হয়ে গেছে দাবি জানাচ্ছি, যাতে করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করা এবং সেগুলো উন্নয়ন।